नवोद्धार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बोल। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता है, जिन्हें अपने बारे में नहीं पता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों की क्या भूमिका रही हमारे भारत देश के लिए। वो लोग कुछ भी अलूल जुलूल बकने हमारी वीडियो पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आ जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, इतिहास की जानकारी रखना बच्चे बच्चे को जरूरी हो गया है। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान दे के हमारे दिमाग में उल्टा सीधा ज्ञान भर के जाते हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि विश्वनाथ, केदारनाथ, ये सारे मंदिर जो हैं वो बौद्ध स्तूप हैं, तथागत गौतम बुद्ध के मंदिर हैं, जिनको बदल करके पता नहीं क्या क्या देवी देवता बना दिया गया है। वहीं पर कुछ मंदबुद्धि लोग जो कि ओबीसी समाज में आते हैं, मैं किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोगों के दिमाग में जो ये गलत चीज बिठाई गई है उससे बाहर निकलिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत बोल रहे हैं उन पे FIR करिए ना। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ये विश्वनाथ, काशीनाथ जो भी मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वो एक बौद्ध स्तूप है, वो तथागत बौद्ध की विरासतें हैं, तथागत बौद्ध मठ हैं। लेकिन कुछ लोग जो ओबीसी समाज में आते हैं, वही लोग वो एक अलग अपना आडंबर फैलाए पड़े हैं। दोस्तों, ये कमेंट आया था जो ये देखिएगा ध्यान से, भूपेंद्र पाल जी का, ये ओबीसी समाज में आते हैं, इनका कमेंट है, शायद कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि हमारी महारानी होलकर जी ने भारत में 80% मंदिरों का पुनः निर्माण कराया, जैसे कि काशी, विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओमकालेश्वर, ज्ञान जी। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ये बौद्ध स्तूप है और इनका कहना है कि ये महारानी जी ने बनवाए हैं। तो दोस्तों, अगर इनकी बात सही है, इनको माना जाए या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को माना जाए, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। बाकी मैं इसकी छानबीन करना शुरू कर चुका हूं आज से ही, और इस पर बहुत ही जल्दी विद ग्रुप की वीडियो मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर इनकी बात सही है तो इनके, तो दोस्तों ऐसे ही कुछ लोग हैं जो फेक आईडी बना करके ऐसे जरूर बकने चले आते हैं। अगर महारानी जी ने ये मंदिर बनवाए थे तो बौद्ध स्तूप कैसे हो सकते हैं? अगर बौद्ध स्तूप थे तो ये महारानी जी ने मंदिर कैसे बनवाए, ये भी एक सवाल है। तो इस पर मैं छानबीन शुरू कर चुका हूं आज से, आप भी करिएगा, और जो भी आपको जानकारी मिले कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।